आप सभी को सुप्रभात। आज हम आपके हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित व्याकरण के पाठ पद परिचय को पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा जानते हैं कि पद परिचय क्या है। तो वाक्य में प्रयुक्त तो व्याकरणिक महत्व के शब्द को पद कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कोई शब्द है राम, अच्छा, बुरा, गेंद, नई, पुरानी, ये सभी शब्द हैं। जब यह स्वतंत्र रूप से हैं, अलग अलग हैं, तो यह एक शब्द है। परंतु जब यह किसी वाक्य के अंदर चले जाएंगे, जैसे राम अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो वहाँ पे राम अच्छा क्रिकेट खेलता सभी एक पद हो जाएगा। यानी कि जब कोई शब्द स्वतंत्र होता है तो वह शब्द होता है, और जब वह किसी वाक्य के अंतर्गत आ जाता है तो वह पद कहलाने लगता है। अब आइए परिचय। परिचय कैसे दिया जाएगा? पदों की व्याख्या की दृष्टि से जो पहचान स्पष्ट की जाए या व्याकरण के अनुसार जो परिचय बताया जाए उसे पद परिचय कहते हैं। इसका मतलब है कि जब वही स्वतंत्र शब्द जो बाहर रहकर शब्द है, जब वह वाक्य के अंतर्गत आएगा तो पद हो जाएगा, और व्याकरण की दृष्टि से जब हम उसका परिचय देंगे तो वह पद परिचय होगा। परिचय मतलब राम अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो अगर हम इससे कह दिया जाए कि राम का क्या परिचय है व्याकरण की दृष्टि से, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव, इस दृष्टि से हमें उसका परिचय देना होगा। तो राम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और खेलना क्रिया का कर्ता है। उसी तरह अच्छा, अच्छा गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो कहने का अर्थ कि एक एक शब्द का जो हम व्याकरण की दृष्टि से बता रहे हैं कि वो क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, क्या है, यही परिचय देने को हम पद परिचय कहते हैं। इस पद परिचय को देने के लिए हमें ये तालिका याद होनी बहुत ज़रूरी है जो अभी आपके सामने दिख रही है। अगर संबंधित शब्द जिसका परिचय मांगा जा रहा है वह संज्ञा है, तो हमें उसका भेद बताना होगा, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। अगर वह शब्द सर्वनाम है तो हमें सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध बताना होगा। उसी तरह अगर परिचय देने वाला शब्द विशेषण है तो हमें उसका भेद बताना होगा, अवस्था, लिंग, वचन और विशेष, किसकी विशेषता बता रहा है। अगर क्रिया होगा तो अकर्मक सकर्मक भेद बताएंगे, लिंग स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, एक वचन है कि बहुवचन है, कर्ता और काल यानी भूतकाल है, भविष्यकाल है कि वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। उसके बाद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंधवाचक, विस्मयादि बोधक, ये सभी अवयव हैं। अगर क्रिया विशेषण होगा तो हमें उसका भेद बताना होगा, इसके चार भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो हम बताएंगे कि कौन सा भेद है और विशेष से बताएंगे, क्रिया बताएंगे। समुच्चय बोधक हो तो भेद और योजित शब्द बताएंगे, संबंधवाचक हो तो भेद तथा संबंध निर्देश बताएंगे, विस्मयादि बोधक हो तो भेद लिखेंगे और भाव का उल्लेख करेंगे, यानी प्रसन्नता बोधक है, आश्चर्य बोधक है, शोक बोधक है, ये हम इसका उल्लेख करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है, अगर इस वाक्य में सभी पदों का परिचय देना हो तो हम कैसे देंगे इस तालिका के अनुसार? तो देखिए, सबसे पहले रमेश का परिचय दे रहे हैं। रमेश क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो रमेश पुल्लिंग है, पुल्लिंग, एक वचन है, और बैठना क्रिया का कर्ता है। रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है, तो बैठने की क्रिया का कर्ता है। अब आया दूसरा शब्द वहाँ, तो वहाँ का हम पद परिचय देंगे। वहाँ क्या है? तो स्थानवाचक है, किसी यहाँ वहाँ, यह सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, बैठने क्रिया का स्थान निर्देश कर रहा है।
अब दसवीं, दसवीं एक संख्या है, संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, कक्षा विशेष्य का विशेषण। कक्षा में, कक्षा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि कक्षा बड़ी होती है या कक्षा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है तो स्त्रीलिंग है। एक वचन है क्योंकि कई कक्षाओं के बारे में बात नहीं हो रही है, एक कक्षा की बात हो रही है तो एक वचन है। और में लगा है तो कारक देख लेंगे, अधिकरण में पर में लगा है तो अधिकरण कारक। बैठा है अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, एक वचन पुलिंग, और करता है रमेश। इसी तरह हम किसी भी क्रिया, किसी भी पद का परिचय दे सकते हैं। और भी कई उदाहरणों के द्वारा मैं आपको इसको समझाऊंगा। जैसे कि देखिए, परीक्षाओं में इस तरह के भी प्रश्न आएंगे, जैसे रहेगा कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दें। महादेवी वर्मा कविता लिखती हैं, यहाँ कविता को रेखांकित कर दिया। अब हमें ये बताना होगा कि कविता क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से इसका पद परिचय देना होगा। तो कविता संज्ञा है, संज्ञा में कविता क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कविता लिखती हैं इसलिए कविता, या कविता व्यक्तिगत रूप से एक स्त्रीलिंग शब्द है, कविता लिखी गई, कविता बड़ी है, कविता स्त्रीलिंग है। एक वचन है क्योंकि एक कविता की बात हो रही है, और कर्म कारक है। उसी तरह दूसरा उदाहरण भी अगर हम समझें तो वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, यहाँ अच्छी को रेखांकित किया गया है तो हम अच्छी के बारे में बताएंगे। अच्छी क्या है, किसी भी ऋतु की विशेषता बता रहा है तो अच्छी गुणवाचक विशेषण है। अच्छा नहीं है, अच्छी है, इसलिए स्त्रीलिंग है, एक वचन है। और ऋतु की विशेषता बता रही है तो ऋतु विशेष्य हो गया। यह लड़की सुंदर है, लड़की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ शाबाश रेखांकित है। शाबाश क्या है, अवयव है। अवयव में क्या है, विस्मयादि बोधक। कौन सा भाव छुपा है इसमें, प्रसन्नता का। जाहिर है आप इन उदाहरणों से समझ गए होंगे कि जो भी शब्द रेखांकित होगा या पूरा का पूरा वाक्य का परिचय देने को भी कह दे तो हर एक वाक्य का इसी तरह व्याकरणिक परिचय हम देंगे कि वह संबंधित शब्द जो है वह संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है या क्रिया है। पहले हम ये बता लेंगे या अवयव है, उसके अनुसार अब हम इस तालिका के हिसाब से, जो तालिका मैंने आपको दिखाई, अगर वो संज्ञा है तो हमें इन चीज़ों के अनुसार उसका परिचय देना होगा, अगर वो सर्वनाम है तो हमें इसके अनुसार देना होगा, अगर विशेषण है तो। ये कहने का अर्थ कि यह तालिका हमें याद होनी बहुत ज़रूरी है और इसी तालिका के अनुसार हम संबंधित शब्द का पद परिचय देंगे। उम्मीद है यह पाठ आपको समझ आया होगा। अगले पाठ को पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।